told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. रेडी सुबह निकला है एयरपोर्ट के लिए चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो ये मेरा हो गया बैग रेडी। तो फिर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस बज गए हैं सुबह के 5:20 हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। तो बस अभी कैब बुक करनी है, तो कैब बुक करके निकलते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं फिर आपके एयरपोर्ट, दिखाते हैं चंडीगढ़ का भी और दिल्ली का भी। तो लेट्स गो। आपको एक बार टाइम मैं दिखा देती हूँ कितना हुआ एग्जैक्टली। ये देखो मॉर्निंग के 5:20 हो गए हैं। तो अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो मम्मी और सिस्टर बनाने लगी हुई हैं यहाँ पे रोटी। तो ठीक है मम्मी, बाय बाय बाय। तो फाइनली गाइस मैंने कैब बुक कर ली थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए, जो कि चार्जेस पड़े मेरे घर से इसके 264, क्योंकि 20 लगते हैं मेरे घर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए। तो जल्दी जल्दी बस हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पे। अभी सुबह के बज गए हैं 6 वाले हैं, तो जो मेरी फ़्लाइट है वो है 7:20 पे। तो गाइस एक आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रात की बारिश हो रही थी, तो अभी सुबह भी ना बारिश हो ही जा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा जाना कैंसिल ही हो जाएगा ना दिल्ली। बट तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हो कि एंटर कर गई हूँ मैं यहाँ पे बस। तो गाइस ये है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, आप देख सकते हो है ना। तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मेरा बोर्डिंग पास है वो मैंने डाउनलोड कर लिया था, बट मुझे यहाँ से भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो गाइस ये है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। तो गाइस मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब कि बाई एयर जा रही हूँ ना। थोड़ी नर्वस थी क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है ना, जो फर्स्ट टाइम आता है एयरपोर्ट पर तो होती दिक्कत तो होती है, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस रहेगा बाई एयर। तो भी यहाँ पे सारे लोग लगे हुए थे ना, अपने बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, तो मुझे तो पता नहीं था कि किस काउंटर पे जाऊँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना कलेक्ट कर लिया था बोर्डिंग पास। तो अभी जो मेरी फ़्लाइट है ना वो जानी है 7:20 पे, तो मुझे जाना पड़ेगा गेट नंबर 9 पे। तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि गेट नंबर आप 9 पे चले जाओ, आपका दिल्ली टर्मिनल होगा 2। तो गाइस गेट नंबर 9 से हमें लेने आ गई थी बस, क्योंकि ये हमें उतारेगी हमारे प्लेन के पास। तो ये हम पहुंच गए अपने प्लेन के पास। तो अभी क्या कहते हैं जाना है हमने बोर्डिंग पास दिखा के प्लेन के अंदर। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये खड़ा है हमारा प्लेन। तो अभी दूसरे जो बस वाले हैं वो अभी अपने क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं प्लेन के अंदर। तो अभी हमें करनी पड़ेगी वेट बस के अंदर। तो अभी हम कर रहे हैं वेट। तो ये देखो कितनी बड़ी लाइन लग गई है, तो सारे खड़े हैं लाइन के बीच में, अपने दिखा रहे हैं बोर्डिंग पास। जैसे ही वो बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं और फिर दे रहे हैं अकेले जाने को, अकेले को जाने के अंदर एंट्री। तो फाइनली हम भी उतर गए हैं। तो ये रहा हमारा सामने प्लेन, देख सकते हो। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे है ना कि इसने अभी तक वीडियो में बताया नहीं कि दिल्ली क्यों जा रही है, किस पर्पज़ के लिए जा रही है। तो गाइस कोई मेरा मतलब कि काम है वो मैंने करके आना दिल्ली। जब लास्ट टाइम गए थे हम दिल्ली तो वो काम मेरा हुआ नहीं था, तो आई होप सो कि इस बार हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो जब वो फाइनल मेरा काम हो जाएगा तो आपको पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करूँगी कि मैं दिल्ली क्यों गई थी और सारी जानकारी दूँगी आपको। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्लेन खड़ा है। तो दूसरी तरफ एक दो तीन और प्लेन खड़े हैं, आप जैसे इंडिगो के हैं। तो मेरी भी जो फ़्लाइट थी वो भी इंडिगो की थी। तो जो मॉर्निंग का आई थिंक इनका स्लॉट रहता है ना चंडीगढ़ से, तो इंडिगो का ही रहता है। इवनिंग का स्लॉट आई थिंक होता है विस्तारा का। तो गाइस इन्फॉर्मेशन इतनी बहुत है, कहीं ये मुझे छोड़ के लग जाएं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने क्या कहते हैं प्लेन की तरफ, लेते हैं सीट जाके।
successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. गाइस अंदर एंटर करते सारा आप देख सकते हो इतनी एसी की कूलिंग छोड़ी हुई थी ना इन्होंने, इतनी कूलिंग बहुत ज्यादा। फ्लाइट मोड में ही करें, बिना फ्लाइट मोड के उपकरणों को उड़ान के दौरान बंद है। इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल टेक ऑफ के बाद कर सकते हैं, और सिगरेट का उपयोग रेयर का। जय माता दी। गाइस कर लिया हमारे प्लेन ने टेक ऑफ, देख सकते हो आप, तो हम उड़े अब हवा में। तो गाइस जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी ना चंडीगढ़ टू दिल्ली, उस दिन मौसम इतना ख़राब था ना, बारिश पड़ रही थी, बादल बने हुए थे। अब बाहर मौसम देख सकते हो कितना ख़राब हो रखा है। और क्या कहते हैं, ये एक घंटे का देते हैं ना कि एक घंटे में पहुंच जाती है दिल्ली फ़्लाइट अगर चंडीगढ़ से, ओनली हमारी जो फ़्लाइट है ना वो 25 मिनट में लैंड कर गई थी दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली। तो अब देख सकते हो हम जा रहे हैं अब पूरे बादलों के बीच, ये देखो बादलों को चीरते हुए। तो गाइस मेरा फर्स्ट टाइम है ना बाय एयर, ये देखो मतलब कि बाहर का व्यू कितना अच्छा रहा है ना, पूरे बादलों के बीच में चल रहा है प्लेन हमारा, ये देखो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, अद्भुत दृश्य। हल्की हल्की नीचे ना जमीन भी दिख रही है ना, लैंड भी दिख रही है, वो देखो छोटा। और मतलब कि जो भी फ़्लाइट दो घंटे से कम का मतलब कि समय लेती है ना कहीं पे भी पहुंचने के लिए, तो उसमें ना मील प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो हाँ इन केस होता है, अगर आप मतलब कि जब टिकट बुक करते हो ना अपना मील ऐड कर देते हो उसी के बीच में अपना कटवा देते हो ना मील के चार्जेस वगैरह, तो आपको मील प्रोवाइड किया जाता है। बट अदरवाइज़ अगर जनरल देखा जाए ना, तो दो लेस देन टू आवर्स अगर आपकी फ़्लाइट जा रही है ना कहीं पर भी, तो आपको मील प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो मेरी वाली फ़्लाइट में सेम यही केस था, तो मुझे मील वगैरह इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था। जो मेरे साथ वाले थे बैठा था ना, एक अंकल और एक फॉरेनर था, तो उनके पास ना दोनों के पास मील आया था। तो ये चीज़ मेरे को तो पहले ही पता थी क्योंकि मैंने टिकट में ऑलरेडी कन्फर्म पढ़ लिया था जब मैंने टिकट बुक की थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि कर रहे थे जिनका फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, तो पूछ रहे थे। तो गाइस फाइनली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम 10 मिनट तक लैंड कर जाएंगे, आप अपनी शील्ड बेल्ट पहन लो। तो मैंने तो ऑलरेडी खोली नहीं थी शील्ड बेल्ट, ऑलरेडी पहन के रखी हुई थी। और क्या कहते हैं, हम कितने 25 मिनट में दिल्ली पहुंच गए चंडीगढ़ से। तो फाइनली गाइस हम सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं दिल्ली में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेन खड़े थे जब मैं देख रही थी, जब हमारा मतलब कि इस तरफ को हम आ रहे थे इस तरफ को, तब वहाँ पे तो थैंक यू सो मच इंडिगो, मुझे आपकी इसमें सफ़र करके बहुत अच्छा लगा। तो सामने खड़ी हैं बसेस इंडिगो की, वो हमें ले जाएंगे टर्मिनल 2 पे। तो फाइनली गाइस हम अंदर एंटर कर गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो सॉरी फॉर दैट गाइस, क्योंकि मैं पूरा कवर एयरपोर्ट नहीं कर पाऊँगी इस ब्लॉग में, क्योंकि मुझे जाना है बहुत, यहाँ से निकलना है मुझे, जो मेरा काम है ना वो, उसके लिए मुझे जल्दी पहुँचना है। अगर मैं पूरा एयरपोर्ट कवर करने लगी ना तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं हो जाऊँगी लेट, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अब मैं जा रही हूँ दिल्ली से चंडीगढ़, क्योंकि जो मेरा काम था वो हो गया डन। तो मैंने ले लिया बस, अब करते हैं दिल्ली को बाय बाय। तो देखते हैं अब कब तक मेरा काम कंप्लीट होता है, जिस काम के लिए मैं आई थी यहाँ पे, तो होप सो जल्दी हो जाए। तो चलते हैं अब घर के लिए। तो
तो गाइज आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।